ठीक है ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी ने बता दिया है, अमित जी ने, मनोज जी ने, संदीप जी ने, चंद्रभान जी ने, सभी ने बता दिया है। ओके, तो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विजय सर से रिक्वेस्ट है, संदीप जी कह रहे हैं संडे तक ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी ये रिक्वेस्ट मैं सर तक पहुंचा दूंगी। और जो आज का हमारा सेशन है ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। ये आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उससे रिलेटेड है, और उनसे रिलेटेड यहाँ पर सभी क्वेश्चंस भी हैं। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ मनोज जी। जय हिंद प्रदीप जी। मैं आज थोड़ा सा सेशन में थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ा सा इशू आ गया था नेटवर्क का, लेकिन अभी मेरी आवाज पर आज मैं आप सभी को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि हम लोग सभी देखते हैं कि आप हमारी क्लासेस देर रात तक चलती हैं, आप सब हमसे ज्वाइन रहते हैं। और साथ ही साथ में विजय सर का मैसेज आया है कि वो इम्पोर्टेंट सेशंस टुमारो जो है, मतलब कल जो है, उसका सेशन भी लेंगे, उन्होंने आपको बता दिया है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हम सब हमारे बिजी स्केड्यूल में से, आप सभी बैंकर्स हैं, बैंक में बहुत सारा काम होता है, सभी काम करते हैं, और उसके बाद में इतना थक हार के फिर भी हम क्लासेस लेते हैं, ये आप सभी की कंसिस्टेंसी है जो सच में अप्रिशिएबल है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो आप ही लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आज उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर सेशन होगा। बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी, बिकॉज वी ऑल नो कि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहा जाता है टाइम इज मनी। तो इसीलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, जल्दी से हमारे इस सेशन को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर लेते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट सेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। किसी चीज में डिस्कशन करना होगा तो वो भी हम करेंगे। तो रेडी हैं आप सभी? जी प्रदीप जी, आपकी ये बात भी जो है मैं ध्यान रखूंगी कि हमको एक सेशन लेना है बीयूपीबी सर्कुलर के ऊपर। जी ठीक है, तो सभी रेडी हैं आप लोग? मुझे दिखते नहीं है, बस स्क्रीन पे ऐसे छोटे छोटे आप सभी के नाम दिखते रहते हैं। आप सभी अगर कैमरा ओपन करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, आपस में हम सब एक दूसरे को देख पाएंगे और सेशन इंटरेस्टिंग होगा। आप सभी दिखेंगे आपस में एक दूसरे को तो सबको मोटिवेशन आएगा, वरना सब अपने कैमरे के पीछे रहते हैं और डिस्कशन चलता रहता है। खैर वो भी अच्छी चीज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। चैट सेक्शन में तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, आप सब बोलेंगे, बाद में डिस्कशन भी करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। अंडर विच एक्ट, मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ से स्क्रीन से छोटा कर देती हूँ ताकि आपको जो ऑप्शंस हैं वो अच्छे से देख सके। ओके, सो अंडर विच एक्ट एंड सेक्शन आरबीआई कैन गिव डायरेक्शन एंड डू इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स? आरबीआई एक्ट सेक्शन 35, ये एक्ट सेक्शन 35 आरबीआई एक्ट, जैसे कि आप सभी के कमेंट्स आते जा रहे हैं, 35A एंड बी आर एक्ट 34A। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जैसा आप सभी ने यहाँ पर बताया, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो कौन से एक्ट या सेक्शन में आरबीआई ने जो है डायरेक्शंस दिए हैं एंड इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स के? तो वो बी आर एक्ट सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं। नॉमिनेशन इन डिपॉजिट्स, सेफ कस्टडी एंड लॉकर अकाउंट्स आर डिफाइंड डैश एक्ट, सेक्शन 45ZA to ZF ऑफ बी आर एक्ट, सेक्शन 45ZA to ZF ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 45Z2F ऑफ बी आर एक्ट, सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट। 100% श्योरिटी के साथ में आप सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहे हैं, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 45ZA to ZF ऑफ बी आर एक्ट। तो जो नॉमिनेशन है डिपॉजिट्स में, सेफ कस्टडी में, लॉकर अकाउंट्स में, वो इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। जी रविंद्र जी, आंसर इसका करेक्ट ए है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट हम करेंगे, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू ऑब्लिक एस 49 ऑफ आरबीआई एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय आरबीआई? अनाउंसेस बैंक रेट, पब्लिशेस फोर्टनाइटली स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज,
प्रिपेयर्स एनुअल बैलेंस शीट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर बताएं। यू ऑब्लिक एस 49 ऑफ आरबीआई एक्ट, इनमें से क्या आरबीआई करता है? बैंक रेट अनाउंस करता है, प्रिपेयर करता है एनुअल बैलेंस शीट को, फोर्टनाइटली स्टेटमेंट एसेट और लाइबिलिटी का पब्लिश करता है, या नन ऑफ द अबव। और जैसे कि आप सभी के चैट सेक्शन में मुझे आंसर दिख रहा है, रविंद्र जी थोड़ा सा सी में कंफ्यूज है, नितिन जी भी थोड़ा सा सी में कंफ्यूज है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। लोकेश जी ने यहाँ पर बताया ऑप्शन ए, बाकी सभी का कहना बी था। और इसी के साथ में आप में से कुछ ने सी भी बताया है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। इसमें किसी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन है क्या? अगर कोई भी डाउट है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज हो सकता है या कोई भी चीज जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय स्केड्यूल्ड बैंक? द बैंक अंडर बीआर एक्ट 1949, अ बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, द बैंक अंडर बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956, एंड नन। शिवम जी डी बोल रहे हैं, बाकी सभी बी बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ बैंक इंक्लूडेड इन सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। स्केड्यूल्ड बैंक जो है वो आरबीआई एक्ट के सेकंड स्केड्यूल में इंक्लूड किए गए थे, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो तो आप मुझे प्लीज बोल दें कमेंट इसमें चैट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 35A बीआर एक्ट 19, दीपक जी 1969 बोल रहे हैं। दीपक जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। सेक्शन 35A बीआर एक्ट 1949 एम्पावर आरबीआई ऑफ द फॉलोइंग, टू इम्पोज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, टू इम्पोज पेनल्टी ऑन अ बैंक, टू इश्यू डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, नन ऑफ दीस। ठीक है आप लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा। बिल्कुल जी बबलू जी सी आंसर बता रहे हैं, वीरेन जी भी सी आंसर बता रहे हैं, आशु जी भी सी आंसर बता रहे हैं, सी को लॉक कर दिया जाए, अमित जी कह रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो सी को जो है लॉक कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू इश्यू डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एनुअल रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट U/S 26 of BR Act should be submitted to RBI within the following days after close of the calendar year, 15 days, 25 days, 30 days, 45 days। जो annual return होगा unclaimed deposit का, उसको submit करना है RBI को कितने दिनों के अंदर? C को lock कर दूं, प्रभाकर जी कह रहे हैं। ठीक है, तो C को lock कर देते हैं। Correct answer है option C, that is 30 days। Annual return जो होगा वो आपको कितने दिनों के अंदर करना है, तो 30 डेज के अंदर आपको इसको करना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज, या रुपी कॉइन एंड रुपी सिक, व्हिच आरबीआई हैज टू मेंटेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। प्रदीप जी कह रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन एक बार, ठीक है एक बार मैं प्रीवियस क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर जैसा आप सभी ने बताया, ये लीजिए प्रदीप जी, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को ओपन कर दिया है। इसके अलावा किसी ने कुछ? हाँ प्रदीप जी, सिक्स्थ क्वेश्चन है, एनुअल रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट यू ऑब्लिक एस 26। अभी मैम ये ईयरली नहीं है, ये क्लोजिंग के मंथली में ही रिपोर्ट करना होता है। इसमें कैलेंडर ईयर दिया है, ईयरली कैलेंडर ईयर की जगह अभी जो है डीफ अकाउंट का मंथली हो गया शायद, इसको थोड़ा सा क्लियर और करें। नहीं मंथली ही है, मंथली है, मंथली। ठीक है, तो जैसे कि प्रदीप जी ने भी हमको बताया, प्रभाकर जी ने भी बताया कि इसको मंथली कर दिया गया है। इसको हम एक बार लास्ट में सर से जरूर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सर आएंगे तो हम एक बार इस एक चीज पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, दीपक जी भी बता रहे हैं मंथली रिपोर्ट जो है इससे रिलेटेड वो आती है। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे और लास्ट में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, आप सभी ने इसको करेक्ट किया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी ने बताई दिया था कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन ए है 200 करोड़। मिनिमम वैल्यू स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन रुपीस, रुपी कॉइन, रुपी सिक्योरिटी, विच आरबीआई हैज टू मेंटेन, दैट इज रुपीस 200
करो, BUPB में 15 days है, बबलू जी बता रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, ताकि सभी का जो भी कंफ्यूजन होगा वो सर एक बार आगे हमको जो है बता देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नो पर्सन इन इंडिया अदर देन RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक और इश्यू एनी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट फॉर पेमेंट ऑफ मनी पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड। दिस इज एज पर प्रोविजन ऑफ सेक 31 ऑफ बियर एक्ट, सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट, सेक्शन 29 ऑफ RBI एक्ट, सेक्शन 35 ऑफ NI। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट। हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है कि आप टाइमली मैनर में, मतलब कम समय के अंदर रहते रहते जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आंसर करने की प्रैक्टिस एक आपकी हो जाए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बोरोअर टू RBI अंडर प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव्स ऑफ RBI यू ऑब्लिक एस 45C RBI एक्ट, 45C BR एक्ट, डायरेक्शंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, आप सभी ने जैसे कि इसका आंसर दिया, इवन ज्यादातर ने ऑप्शन सी दिया, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यू ऑब्लिक एस 45C ऑफ RBI एक्ट, बैंक डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बोरोवर टू RBI अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो लक्ष्मी जी ने आंसर दिया था, आशु जी ने आंसर दिया था, नितिन जी ने भी और अमित जी ने भी, आप सभी ने इसका आंसर बी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन बैंक नोट दैट RBI कैन इश्यू एज पर प्रोविजन ऑफ RBI एक्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है। जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक हैव बीन प्रोहिबिटेड टू स्टेपल बैंक नोट्स बाय RBI बाय इशूइंग स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग दीज डायरेक्टिव्स हैव बीन इशूड। सेक्शन 35A ऑफ इंडियन करेंसी एक्ट, सेक्शन 35A ऑफ NI एक्ट, सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट, सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट। AC, ये आंसर मेरे पास में आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट। ठीक है दीपक जी, सी आंसर है इसका। ओके, ठीक है आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर। श्योरिटी के साथ आप सभी का आंसर आया है ऑप्शन ए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, आकांक्षा जी ने भी बता दिया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट? 30 days, 15 days, 45 days, नो सच टाइम लिमिट। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 30 days। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज सॉट कंसर्न्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन? 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, 60 आवर्स। मैंने कहा कि प्रैक्टिस के लिए टाइमली मैनर में क्वेश्चन को आंसर करना है, आप लोग उतनी ही तेजी से मुझे आंसर दे रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 48 आवर्स। मैं पर यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगी, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ही फास्ट हो रहा है या हमको थोड़ा सा स्लो करने की जरूरत है? जी ठीक है, संदीप जी बोल रहे, थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा मैं संदीप जी इसको स्लो करती हूँ, है ना, क्योंकि ऐसा भी ना, हाँ फास्ट पर करना जरूरी है लेकिन ऐसा भी ना हो ना कि किसी का बिल्कुल क्वेश्चन ही छूट जा रहा है, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा स्लो कर देंगे, सुधांशु जी ने भी बोला है ये चीज, बाकी आप सभी ने एग्री किया है कि फास्ट है चलेगा, अच्छा लग रहा है, हैबिट हो गई है। ठीक है, हैबिट हमको हो जाती है करते करते और वो अच्छा भी है, लेकिन कभी थोड़ा किसी का अगर रीडिंग स्लो है तो उसमें भी हमको हेल्प करनी होगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जी। और एक चीज, लेकिन ये हम जरूर ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें टाइम उतना हमको नहीं मिलता है। हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम 1 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर लें। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आंसर करें। एग्जाम में हमको बहुत ही कम समय मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे चैट सेक्शन में ये सभी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। अभी मैंने क्वेश्चन रीड भी नहीं करा और उनका नेक्स्ट का आंसर भी आ गया है मेरे पास में। तो वो स्पीड आप सभी मेंटेन करें, इसकी कोशिश जरूर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फी फॉर बीपीएल कैटेगरी ऑन सबमिशन ऑफ बीपीएल प्रूफ पेबल फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? 110, 50, निल। आप सभी का आंसर इसमें आ चुका था। हाँ जी, और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दैट इज निल। आप सभी ने आंसर ज्यादातर बी सी ऐसे करके आए थे, फिर डी भी आए थे। हाँ, करेक्ट आंसर जो है इसका वो है डी, दैट इज निल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डेज अपील कैन बी डन अगेंस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड? कितने दिनों में अपील की जा सकती है? 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, 180 डेज? जी, आंसर दें आप सभी। ज्यादातर आपका आंसर ए आया है, करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 30 डेज। 30 डेज में अपील की जा सकती है, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है उसके अगेंस्ट में। अगला क्वेश्चन है, अंडर क्लीन नोट पॉलिसी विच नोट्स आर कॉल्ड सॉइल्ड नोट्स? सॉइल्ड नोट्स किसे कहा जाता है क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर? वेर अ पोर्शन ऑफ नोट इज मिसिंग और कट इंटू मोर देन वन पीस, एक्सट्रीमली ब्रिटल, बर्न्ड, चेयर्ड, स्टक अप नोट्स विच बिकम डर्टी ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर इन इंस्यूड्स टू पीस नोट पेस्टेड टूगेदर, मिसमैच नोट। जी, सभी का आंसर आ गया है, आंसर है करेक्ट सी। जो डर्टी हो गया है नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, तो उसको सॉइल्ड नोट्स की कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द एप्लीकेबल टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल मोर देन 1 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर अ रिटर्न फाइल्ड कस्टमर? क्या एप्लीकेबल टीडीएस होगा कैश विड्रॉल पर जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर अ रिटर्न फाइल कस्टमर? नेल 2%, 3%, 1%? करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज 2%, जैसा कि आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन एओडी इज टू बी टेकन इन केस ऑफ टर्म लोन रीपेबल इंस्टॉलमेंट्स? फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस लिमिटेशन फॉर ईच इंस्टॉलमेंट विल रन सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ डीपीएन एओडी मस्ट बी, प्रदीप जी बोल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन फिर से। जी, मैं एक बार इस क्वेश्चन को रीड करके आंसर दे दूं, फिर मैं प्रीवियस क्वेश्चन पर भी आ रही हूँ। एओडी मस्ट बी ऑब्टेन आफ्टर 24 मंथ बट बिफोर 27 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। एओडी मीन्स एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट केस ऑफ टर्म लोन रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जैसा कि आप सभी ने बताया इसका करेक्ट आंसर। जी आकांक्षा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, और सभी ने इसका करेक्ट आंसर जो है वो भी बताया कि लिमिटेशन हर एक इंस्टॉलमेंट की वो सेपरेटली होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर ड्यू डेट से। अब प्रदीप जी, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये लीजिए क्वेश्चन है कि एप्लीकेबल टीडीएस क्या होगा ऑन कैश विड्रॉवल जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर अ रिटर्न फाइल कस्टमर। जो रिटर्न फाइल कर रहे कस्टमर उनके लिए एप्लीकेबल टीडीएस मतलब कितना होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2%। इसमें भी मैम अपडेट हुआ है, पहले 1 करोड़ ये था अभी सही तीन है। करोड़ हो गया है सर। सही नहीं नहीं सर, वो है कोऑपरेटिव सही है। सोसाइटीज अच्छा के लिए अपडेट हुआ सही है है। सही है, ऑपरेटिव हाँ वो सोसाइटी उनके दूसरा लिए। केस है। ठीक ओके ओके, क्लियर क्लियर, ये इंडिविजुअल का है। जी 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 ये जो है ओके ओके, दूसरा है, थैंक यू और मैम, जो आप थैंक बता यू, रहे हैं वो कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दीपक जी, कोई से क्वेश्चन में डाउट है क्या, या कोई से क्वेश्चन में ऐसा लगा आपको कि रीड नहीं कर पाए? अगर कोई सा भी रहे तो आप प्लीज बोल दीजिएगा कि मैम ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, और बाकी मैंने आपकी बात को भी ध्यान में रखा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन। विच इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ सरफासी एलिजिबिलिटी, अकाउंट शुड बी एनपीए, मे अमाउंट ड्यू इज मोर देन ₹1 लाख, डॉक्यूमेंट्स आर नॉट टाइम बेयर्ड, सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सरसाई। आप सभी के आंसर आ गए हैं मेरे ऑप्शंस पढ़ने से पहले ही, ये बहुत अच्छी स्पीड है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट रजिस्टर्ड
अंडर सरसाई। आकांक्षा जी आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं? नो मैम। ओके ओके थैंक यू। आपने बताया चार शुड बी रजिस्टर्ड विद सरसाई। और मैं कुछ बोल रही थी, ठीक है मैं भूल गई हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ सरफासी एग्जम्प्टेड सिक्योरिटीज, वेयर लियन इज अवेलेबल, वेयर प्लेज इज अवेलेबल, अमाउंट लेस देन 2 लाख, क्रिएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इन एनी वेसल। जी इसका बताएं करेक्ट आंसर। नॉट करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ सरफासी एग्जम्प्टेड सिक्योरिटीज। ई बी सी तीनों आंसर आपने बोल दिए हैं, बस ए को छोड़ के। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अमाउंट लेस देन 2 लाख। ठीक है। अच्छा एक जो चीज मैं बोल रही थी कि जिनके भी आंसर्स गलत हो रहे हैं या ऑप्शंस गलत जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इन चीजों पर, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग मतलब करिए, और ऑब्वियसली आपने ये सारी चीजें, आपको पता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये सारी चीजें आपके आंसर्स भी करेक्ट हो जाएंगे। जैसे बाकी सभी के हो रहे हैं, ऐसे ही और सबके भी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मतलब जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अमित जी बोल रहे थे मैम क्लियर कर दें, ये बोल रहे हैं सरफासी एग्जम्प्टेड सिक्योरिटीज जो है उसके रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ओ ये 1 लाख होगा इसकी जगह, इसलिए गलत है। इसमें 1 लाख ठीक है, होना आंसर सी। चाहिए। हाँ मैम, मुझे 1 लाख होगा, ये सही है आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, अमित जी ने कहा इसीलिए मैंने कहा कि इसको हम क्लियर कर लें कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा प्रभाकर जी ने बताया और हमारे सभी साथियों ने, कि इसका जो मतलब इनकरेक्ट ये इसीलिए है क्योंकि करेक्ट जो अमाउंट है वो लेस देन 1 लाख होना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर ऑल नॉट मोड ऑफ सरफासी नोटिसेस, इनमें से क्या सरफासी नोटिसेस का मोड नहीं है? बाय हैंड डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी, स्पीड पोस्ट और कुरियर, फैक्स मैसेज और ईमेल, कंफर्मेशन नॉट सेंड। जी ए 100% रविंद्र जी बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जैसे कि यहाँ पर मनु जी ने बताया है, प्रदीप जी ने भी बताया है, रविंद्र जी ने भी बताया है, प्रभाकर जी ने भी बताया है, नितिन जी ने भी बताया है। आप लोग पहले आंसर ए बोल रहे थे, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फैक्स मैसेज या ईमेल, कंफर्मेशन नॉट सेंड। ये मोड नहीं है। व्हाट आर ऑल नॉट मोड फॉर सरफासी नोटिसेस, सो द करेक्ट आंसर इज फैक्स मैसेज और ईमेल। ठीक है। बोरोअर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट डिमांड नोटिस टू बी रिप्लाइड इन हाउ मेनी डेज, 30, 15, 7, 21। जी सभी आंसर दें, सभी। मेरे साथ 67 पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे सभी 67 के चैट्स में जो है आंसर्स चाहिए हैं, सभी पार्टिसिपेट करें। जी बिल्कुल, आप सभी ने इसका आंसर दिया है जैसे कि ऑप्शन बी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 15 डेज। इन रिस्पेक्ट ऑफ सरसाई विच इज नॉट करेक्ट, सरसाई के बारे में यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ऑप्शन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मॉर्टगेज अदर देन मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ऑप्शन सी हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल, ऑप्शन डी एनी कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग और अ पार्ट देयर बाय एन एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंटल अदर देन मॉर्टगेज। आप सभी ने आंसर दे दिया है। संदीप जी बोल रहे हैं स्पीड थोड़ा सा कम करिए मैम। हाँ मैं इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इसको रीड करिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ सरसाई कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, जैसे कि आप सभी ने बताया हाइपोथेटिकेशन, हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल जो है वो सरसाई के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ओके क्लियर है? संदीप जी शायद बोलते हैं, हाँ संदीप जी अभी ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फी चार्जेबल फॉर लोन अप टू 5 लाख, 5 लाख तक के लोन के लिए कौन कितना फीस चार्ज किया जाएगा? 50, 100, 10, 25। जी ओके ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पूरा 50। क्वेश्चन में से बोला, पूरा
पता होना चाहिए ना क्या इसके लिए कौन से चार्जेबल है। फी सक्सेस चार्जेस है, ये तो समझ में नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन सही स्टेट साई के लिए वैसा ही। सर, सही वाला। अच्छा हाँ अच्छा ये सरसाई का ही कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है, एक बार इनकम्प्लीट है, बबलू जी भी बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, एक बार इसको हम डिस्कस कर लेंगे सर के साथ में। लास्ट में एक क्वेश्चन 6 हो गया, एक क्वेश्चन 25 हो गया, बट क्योंकि ये सरसाई से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये भी सरसाई के रिगार्डिंग ही होगा, बट ठीक है एक बार हम और देख लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फी चार्जेबल फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरसाई। निखिल जी बोल रहे हैं 24th क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने को। ठीक है निखिल जी, हम आ रहे हैं उसके ऊपर, एक ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे यहाँ पर, मतलब इसका आंसर ले लें। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने बताया कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज निल। जो भी फी चार्जेबल होगा सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी अंडर सरसाई के अंदर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज निल, कोई फीस नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 जैसे कि कहा है, इसको एक्सप्लेन करने के बारे में कोई यहाँ पर आप में से आपस में हम डिस्कस करें, या आप में से कोई बताना चाहेगा? निखिल जी क्वेश्चन पूछ रहे मैम, ये सरसई में व्हीकल का रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस पे हाइपोथिकेशन आरटीओ में हम रजिस्टर करा देते हैं बैंक का हैं। नाम, कि बिल्कुल ये इसके पक्ष में दृष्टिबंधक है, इस वजह से उसको सरसई में सेपरेटली रजिस्ट्रेशन कराने का कोई नीड नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। निखिल जी क्या अब ये क्लियर है क्वेश्चन? निखिल जी है हमारे साथ? ओके निखिल बोल जी, दिया मैम। अच्छा चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू आकांक्षा जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर क्रिएशन ऑफ सरसाई इंटरेस्ट? 30 days, 60 days, 10 days, इमीडिएटली। क्या टाइमलाइन है सरसाई इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए? जी ए और डी, ये दो आंसर आप सभी दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज इमीडिएटली। प्रदीप जी कह रहे हैं ए को मैम 100% लॉक कर दिया जाए। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन डी है, कि इमीडिएटली टाइमलाइन फॉर क्रिएशन ऑफ सरसाई इंटरेस्ट। किसी तरह का अगर कंफ्यूजन है, हाँ जैसे कि सही प्रदीप है, जी ने, सही है, इमिडिएटली सही है। मैम ये हाँ पहले होता था 30 डेज का, अब रिसेंटली गाइडलाइन बदल गई, इमिडिएटली आप चार्ज कर हाँ सकते हैं ये। ठीक है। सही है। ओके ठीक है, तो प्रदीप जी अभी भी कंफ्यूजन है या अभी क्लियर है? जैसे कि हमको हमारे साथियों ने बताया कि ओके ओके ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि अभी उन्होंने अपडेट किया कि ये अपडेट हो चुका है और पहले 30 days था, अभी इमीडिएटली हो चुका है, तो इसको हम सभी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेफ सेफ कस्टडी आर्टिकल्स कम अंडर विच एक्ट? जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बीआर एक्ट, एनआई एक्ट। इमीडिएटली विथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जी पुष्पेंद्र जी बिल्कुल, थैंक यू हमको और अपडेट देने के लिए। इसका करेक्ट आंसर जैसे कि आप सभी ने बताया ऑप्शन ए, प्रदीप जी बोल रहे हैं बी हो सकता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेफ कस्टडी आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आता है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? एजेंट एंड प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, बेली एंड बेलर, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, एजेंट एंड प्रिंसिपल। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के केस में बैंकर कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप कहलाएगा एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला। और ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, बैंकर्स लियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉर्टगेज, एन एम्प्लाइड प्लेज, अ हाइपोथिकेशन ट्रांजेक्शन, अ टाइप ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, एक साथ आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एन एम्प्लाइड प्लेज। तो यहाँ इसी के साथ में, इन सभी क्वेश्चंस के साथ में हमारा आज का ये जो सेशन है ये कंप्लीट होता है, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ में ये सेशन लेके। आई होप सो कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। बस एक दो चीजें जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप सभी जो है थोड़ा सा अपने टाइम का ध्यान में रखें आंसर्स के समय,
जी शिवम जी, अभी क्वेश्चंस कम है लेकिन जैसा कि विजय सर ने इंश्योर किया है कि वो कल आपके लिए बढ़िया सा सेशन लेकर आएंगे, डेली सेशंस होंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपकी इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि प्रभाकर जी भी बोल रहे हैं और क्वेश्चन चाहिए, निखिल जी भी बोल रहे हैं, महादेव जी भी हैं, तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप सभी जो है वो टाइम का ध्यान रखें और जहां पर आपके क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस इन आर, बिल्कुल दीपक जी इसका ध्यान रखा जाएगा और बहुत जल्दी हम सेशन इसका कंडक्ट करवाएंगे, तो ये चीजों का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एज देयर इज नॉट इनफ टाइम। बिल्कुल आपकी ये जो सभी आपके मैसेजेस हैं रिगार्डिंग ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये मैं सभी सर को जो है इन्फॉर्म कर दूंगी और वो इससे रिलेटेड सेशन आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये सेशन लेकर, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सर को कन्वे कर दिए जाएंगे जो इससे रिलेटेड आपको अपडेट करेंगे। अभिषेक जी सुबह क्लास होगा ये भी मैं आपको सर से ही पूछ के कंफर्म कर पाऊंगी। थोड़ा स्पीड कम होना चाहिए ताकि सब कॉन्शियस माइंड में आ सके। प्रदीप जी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन उसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है और मुझे ये आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सभी बैंकर्स हैं, आप सभी इस चीज को जानते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी और ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। जी शिवम जी भी बोल रहे हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा है, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से जो है चेंजेस आएंगे। और बाकी आपकी ये सारे जो भी मैम, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जी 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 100 क्वेश्चन का एक पैटर्न लाइएगा, तो ओके उससे क्या है ना कि जो जनरल बैंकिंग क्वेश्चन है मैम, जी वो एकदम से देखने पर से ही क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाना चाहिए, ये चाहते हैं हम लोग बस। बिल्कुल बिल्कुल तो आप क्या इस ना है कि बात मैम उधर बाकी हिंदी में हमें टाइम मिल जाएगा, और ये रहता ना जनरल बैंकिंग का ज्यादा कम समय में हो जाएगा, तो टाइमिंग हिंदी में हम दे लेंगे तो उसमें जो स्कोर है वो ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, तो जो जो भी आपके ये मतलब जो भी आपके मैसेजेस हैं रिगार्डिंग कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो कम टाइम में, जैसे 75 क्वेश्चंस इन एन आर हमसे कहा गया, जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस हमसे कहे गए, तो ये सारी बातें मैं सर तक आपकी कन्वे कर दूंगी और ये सारी चीजों के आंसर्स बिल्कुल आपको बहुत ही जल्द सर से मिल जाएंगे। और क्या पता कल ही आपका सेशन भी हो जाए, जैसे कि सर ने कहा भी कि कल एक सेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, सो आपकी मैसेज में कन्वे कर दूंगी। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जी अभी सेशंस आपके जो हैं जहां तक हैं वो शायद हैं, हाँ जी आपका सेशन है, अभी एक सेशन आपका होने वाला है, स्नेहा मैम आपका सेशन लेंगी, तो आई इनवाइट स्नेहा मैम टू टेक योर सेशन एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।